नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना मीडिया पीएमसी मीडिया में। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे फिल्म बाला के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे बाला का कलेक्शन का रिपोर्ट आपको बता दिया है, लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत विशेष करके नौवें दिन की कलेक्शन के बारे में आपसे बात करेंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें, इस फिल्म के स्टार कास्ट में थे आयुष्मान खुराना, भूमि पाडेटकर, एमी गौतम, सौरभ शुक्ला और जावेद जफारी, सीमा फवा। तो दोस्तों, आपको बताते चलें, ये फिल्म फर्स्ट डे पे कलेक्शन की थी 10 करोड़ 25 लाख की और दूसरे दिन हल्का सा ग्रोथ देखने को मिला था। दूसरे दिन इस फिल्म ने कलेक्शन किया था 13 करोड़ 75 लाख की और दोस्तों बात करें अगर तीसरे दिन की तो इस फिल्म ने 15 करोड़ 50 लाख की बिजनेस की थी। और बात करें चौथे दिन की यानी सोमवार को ये फिल्म डाउन हो गई, लेकिन फिर भी अच्छी खासी कमाई कर ली 8 करोड़ 10 लाख की। दोस्तों, अगर ये बात करें पाँचवें दिन की तो इस फिल्म ने पाँचवें दिन कमाई की थी 6 करोड़ 8 लाख की और सातवें दिन इस फिल्म ने कमाई की थी 4 करोड़ 3 लाख की। दोस्तों, ऐसे ही ये फिल्म कमाई करती रही, लेकिन दोस्तों अगर बात करें नौवें दिन की तो नौवें दिन इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया। और बात करें नौवें दिन फिर हल्का सा ग्रोथ देखने को मिला। इसने नौवें दिन ज़बरदस्त कमाई करके ये साबित कर दिया कि आयुष्मान खुराना प्रेजेंट टाइम के सुपरस्टार हैं। दोस्तों, नौवें दिन इस फिल्म ने दोबारा 9 करोड़ 75 लाख की अच्छी खासी बिजनेस की। दोस्तों, मरजामा रिलीज होने के बावजूद भी बाला पे कोई खास असर नहीं पड़ी। और दोस्तों बात करते हैं इससे पहले आयुष्मान खुराना की फिल्मों के बारे में। आयुष्मान की इससे पहले जितनी भी फिल्म रिलीज हुई हैं सब सुपर डुपर हिट हुई, चाहे उसको ले लिया जाए शुभ मंगल सावधान और बधाई हो और या गर्ल हो। दोस्तों, इस तरह से बाला का टोटल इंडिया कलेक्शन होता है 82 करोड़ और वर्ल्ड वाइज होता है 111 करोड़। दोस्तों, हमारे चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।